कैंटोनमेंट बोर्ड के 11 जनवरी को होने वाले चुनावों की घोषणा के साथ ही छावनी निवासियों में चुनावों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। छावनी क्षेत्र में आम जनता बदलाव के रूप में है तथा नए चेहरों को अपना बोर्ड सदस्य चुनना चाहती है। उनका कहना है कि उस उम्मीदवार को जिताया जाए जो छावनी की समस्याओं को हल करवाकर क्षेत्र का विकास कर सके। कैमरामैन नीरज वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हलचल। उन्होंने सारथी पूर्वक मनाया जाए और इस वास्ते ही केंद्र सरकार के तहत में धनवादी होवांगे। बड़ी खुशी की गल आ कि जलंधर कैंट के कंटोनमेंट बोर्ड के जोड़े इलैक्शन जनवरी के आ रहे हैं, सारे कैंट के बड़ी खुशी की लहर है। पर मैं वोटर तकीद करता हाँ कि जेडे भी आप मैंबर चुने छाउनी दे कोशिश करना वो तो सूझवान समझदार उन्होंने ही चुनो। जलंधर छावनी की सभी जनता से जोर ये अपील करता हूँ कि जलंधर छावनी के जो इलेक्शन कैंटोनमेंट बोर्ड के वहाँ रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पुरजोर ये कोशिश करता हूँ कि सूझवान व्यक्ति को ही जिताएं ताकि कैंट की समस्याओं का हल हो। सारी ही इलाका निवासी जलंधर कैंट के सारे ही निवासियों मैं पुरजोर शब्दों में बेनती करना कि जनवरी महीने के कंट्रोल बोर्ड की जी इलैक्शन आ रही है, एक बहुत वधिया मौका सारे मिले है कि अपने वधिया नुमाइंदे चुन के असी कैंट बोर्ड भेजिए जेडे कि लोगों की रहनुमाई कर सकन, लोगों की नुमाइंदगी कर सकन। जनवरी जड़िया इलैक्शन हो गई हैं कैंट दियाँ, यह उम्मीदवार चुनिया जाए जोड़ा सड़क पानी तो सफाई दिया सारिया प्रॉब्लम सॉल्व करे, अपनी जनता हमेशा खुश रखे, उन्होंने सारिया प्रॉब्लम सुने। मेरी इतने ये जो कैंट बोर्ड इलेक्शंस की डेट निश्चित हुई है कैंट बोर्ड वालों ने जनवरी में, इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह पाया जा रहा है। पर हम कैंट वासियों से अपील करते हैं कि हर कैंडिडेट जो है पढ़ा लिखा सूझवान होना चाहिए, अपना वोट सोच समझ के डालें सबको। कैंट में जो जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कैंट वासियों को, इलाका वासियों को, वो आने वाले समय में उससे निजात पा सकें।